हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपको स्टार्ट वन से लेके एंड तक बताऊंगा कि आप बिल्डिंग की सबमिशन ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। और ये पूरी सीरीज आप सब लोगों के लिए, मतलब सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए और आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर ये कोचिंग लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रीमियम वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको डेली ये वीडियो देखने हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेविट सॉफ्टवेयर जो है ये ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ओके। और मैं 2018 स्टूडेंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रेविट सॉफ्टवेयर ओपन करना है। रेविट सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से टेम्पलेट यूज़ किए जाते हैं। अभी टेम्पलेट मतलब क्या? टेम्पलेट मतलब अलग अलग एंटिटी। जैसे अगर आपको आर्किटेक्चरल प्लान बनाना है तो आपको आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रक्चरल प्लान बनाना है तो आपको स्ट्रक्चरल प्लान यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको मैकेनिकल प्लान बनाना है तो आपको मैकेनिकल टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा। टेम्पलेट मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम के रिस्पेक्ट में आपके पास टूल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपको आर्किटेक्चरल प्लान यूज़ करना है और अगर आप मैकेनिकल टेम्पलेट ऑन करेंगे तो आप वहाँ पे वॉल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो फंक्शंस है वो रेविट में डिफाइंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब आप न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा बॉक्स आता है। इस बॉक्स को आने के बाद आपको सबसे पहले, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बट आप पहले ब्राउज कीजिए। इसका मतलब ये कि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इंडिया के मेरे पास, यहाँ पे अगर इसकी लोकेशन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप रेविट इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज सी में प्रोग्राम डाटा के में जाना है, ऑटोडेस्क में RVT 2018 टेम्पलेट इंडिया। अभी मेरे पास इंडिया टेम्पलेट है जिसके अंदर यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट मेट्रिक यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, ओके, मेट्रिक फॉर्मेट में आपको मेट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको क्या कहते हैं कि फीट एंड इंचेस यूज़ करना है तो आपको US डिफॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मेट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, ओके, और इसको मैं ओपन करूँगा, उसके बाद मैं ओके करूँगा। इसका मतलब जो भी मेरे सारे काम इसमें बनने वाले हैं, ओके, वो सारे मेट्रिक फॉर्मेट में बनने वाले हैं। ठीक है, नाउ इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि रेविट सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पार्ट नंबर वन है जिसमें सारा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रेविट सॉफ्टवेयर में ये जो होता है ये टैब को कहते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और ये जो होता है इसको कहते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर या फिर प्रोजेक्ट मेन विंडो। प्रोजेक्ट प्रॉपर, ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें जो भी आप ऊपर का फंक्शन सिलेक्ट करोगे, जैसे वॉल सिलेक्ट करोगे, डोर सिलेक्ट करोगे, कोई भी कंपोनेंट सिलेक्ट करोगे, उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रॉपर्टीज विंडो में यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर विंडो है यहाँ पे आपको हर एक लेवल, हर एक एलिवेशन, सेक्शन, क्वांटिटी, शीट, फैमिलीज, लिंकेजेस, एलिवेशन, सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये दोनों विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को अगर अनटिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज चली जाएगी। अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को ऐसे क्लिक करेंगे तो फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ आप ऊपर देख सकते हैं फाइल, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप नई विंडो भी बना सकते, नई नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, आप ओपन भी, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रेविट की फाइल है तो आप ओपन के ऊपर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। आप अपने रेविट फॉर्मेट को, जो भी प्रोजेक्ट है उसको सेव एज के ऊपर जाके सेव कर सकते हैं। आप रेविट फॉर्मेट को अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल जो टैब है इसके अंदर बिल्डिंग प्लान बनाने के लिए जो भी फंक्शन लगते हैं, जैसे वॉल, डोर, विंडो,
अदर कंपोनेंट, कॉलम, फिर ये रूफ, फिर ये हो गया आपका सीलिंग, फ्लोर, कर्टेन वॉल, फिर कर्टेन का ग्रीड, मिलियंस, ओके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करोगे। जैसे मान के लो मैंने वॉल सिलेक्ट की है, फिर मैंने वॉल सिलेक्ट करने के बाद मुझे कौन सी वॉल बनानी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वॉल सिलेक्ट की, वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से एक रिबन आएगी, और वॉल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखो आपको एक वॉल डिफॉल्ट वॉल यहाँ पे आ गई है। आप यहाँ पे देखते होगे ये जो टूल है, ये टूल आपको ऑटोकैड में दिखाई मिलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये टूल यहाँ पे भी होते हैं। तो आपको सबसे पहले वॉल की हाइट डिफाइन करनी है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वॉल की हाइट रहेगी कितनी, 3 मीटर, मतलब 3000 mm, ठीक है। और आपको वॉल की अगर प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप सबसे पहले वॉल को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आपको कौन सी वॉल चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, बेसिक वॉल, ठीक है, फिर इसके बाद कर्टेन वॉल, सीएस स्टैक वॉल। अगर आपको जेनरिक वॉल को ही डिफाइन करना है और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करना है, या फिर एक दूसरी वॉल बनानी है 300 mm की, तो आप क्या करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे, उसको पहले डुप्लीकेट करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे, उसको करेंगे 300 mm, ठीक है, उसको बोलेंगे ओके। फिर हम उसके स्ट्रक्चर में जाएंगे, उसकी हाइट लिखेंगे 3 मीटर, ओके, अभी ये सारा एमएम है इसलिए हम लिखेंगे 3000। उसकी थिकनेस लिखेंगे हम कितना, 300 mm, ठीक है, इसको ओके करेंगे, राइट। उसके बाद उसका हम यहाँ पे देखिए उसका फंक्शन एज ए एक्सटीरियर वॉल रखेंगे, ओके, और हम इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे पता चल गया कि 300 mm की वॉल हमारी ड्रॉ हो सकती है। अभी आपको वॉल ड्रॉ करना है, तो जब भी आप वॉल को ऐसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपका एक मॉडिफायर प्लस वॉल का ऐसे टैब ऑन हो जाता है। फिर आप जैसे यहाँ से स्लिक सिलेक्ट करके आप ड्रॉ करेंगे, कितना 10 मीटर ड्रॉ करना है, तो लिखो 10000, क्योंकि अभी mm में है इसलिए, ठीक है। तो देखो हमने एक वॉल ड्रॉ कर ली, ठीक है, होगी। अभी मुझे इस डायरेक्शन में 5 मीटर वाली डालनी है, तो 5000, ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। फिर मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ कितना, 10000, ठीक है, और फिर मैंने इधर ड्रॉ कर दी 5, और मॉडिफाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो फिर से मेरे वैसे के वैसे आ गए। नाउ ये क्या होगी, ये मैंने मेरे वॉल यूज़ करके मैंने एक बॉक्स बनाया। अभी अगर मैं इसको 3D में देखना चाहूँ तो मैं कैसे देखूँगा, देखिए यहाँ पे ऊपर एक टैब है डिफ़ॉल्ट 3D व्यू, इसको आपको क्लिक करना है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा 3D में मॉडल बनके आपको रेडी बनके दिख जाएगा। अभी आप नीचे आएंगे, ये जो व्यू है विजुअल स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंट कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप रियलिस्टिक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी वॉल किस तरीके से ड्रॉ हुई है, ठीक है। नाउ अभी आपको अगर प्लान फ्लोर लेवल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, लेवल नंबर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। क्यों लेवल नंबर 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये मैं एलिवेशंस में जाता हूँ। जब आप एलिवेशंस में जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको एलिवेशन दिख गया, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। ये लेवल नंबर 1 को 2 को मैं 3000 मीटर के ऊपर सेट, 3000 mm के ऊपर मैं सेट करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये सेट हो गई 0 से लेके 3000, ओके। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि हाँ मेरा जो हाइट है वो कितना है, 3 मीटर की मेरी हाइट है। नाउ अभी दोस्तों अगर आपको इसमें डोर ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपको फ्लोर में जाना पड़ेगा। तो लेवल नंबर 1 पे हम जाएंगे, फ्लोर प्लान पे, ओके, यहाँ पे हम आ गए। अभी मैं डोर को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास डोर नहीं है, डोर की ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोड फैमिली में जाएंगे। यहाँ पे हर एक आर्किटेक्चरल मॉडल को आप सिलेक्ट जब करते हो तो उसका एक मॉडिफाई का एक ऑप्शन ऑन होता है, और एक डैश के बाद आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो हम लोड फैमिली में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मैं वो पाथ दिखा देता हूँ, प्रोग्राम डाटा, ऑटोडेस्क, रेविट, लाइब्रेरीज इंडिया, डोर्स में हम गए। अभी डोर्स में जाने के बाद हमारे पास कमर्शियल डोर अवेलेबल है, हार्डवेयर वाले अवेलेबल है, रेसिडेंस वाले अवेलेबल है, और बाकी के भी डोर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इमेज देख रही होगी ऐसे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिडेंशियल में जा रहे हैं। देखो अलग अलग डोर आपको अवेलेबल। अभी अगर मैं इस डोर को लेता हूँ, एक्सटीरियर सिंगल एंट्री, इसको मैं ओपन करूँगा, फिर ये बोलता है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करो कि आपको कौन से साइज़ का डोर चाहिए, ठीक है।
विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो मैं बोलता हूँ विड्थ जो है ओके वो चाहिए मुझे 1 मीटर की और हाइट थी उसकी इतनी, तो हम उसको ओके करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो डोर है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आपको इसको कहाँ पे लगाना है वो आप देखेंगे, तो मैं उस मुझे जहाँ पे लगाना है मैं वहाँ पे उसको लेके जाऊँगा और यहाँ पे ऐसे लेके आऊँगा और यहाँ पे इसको रख दूँगा ऐसे, ठीक है। अभी मैं इस मॉडल को आपको मैं 3D में दिखाता हूँ कैसे रख रहा है, ठीक है। देखिए आपको दिख गया, सी अगर आप इसको अंदर से देखना चाहते हैं तो ये जो व्हील बटन है इसको ऑन करो, ऑर्बिट के ऊपर क्लिक करो और ऐसे उसको पकड़ के रखो और ऐसे घुमाओ अंदर, ठीक है, ऐसे लेके आओ। फिर ऐसे बीच की बटन माउस की बीच की बटन दबा के ऐसे लेके आओ और ऑर्बिट को और ऐसे नीचे करके ऐसे लेके आओ, देखो, ठीक है। इस तरीके से आपका वॉल बन गया। अभी फिर से हम लेवल 1 में जाएंगे। क्यों लेवल 1 में हमेशा जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ड्रॉ किया है ये मैंने लेवल 1 से लेवल 2 में जा रहा हूँ, इसलिए मेरा जो भी काम है वो लेवल 1 में बन रहा है, इसलिए मैं लेवल 1 पे क्लिक कर रहा हूँ। नाउ अभी मुझे यहाँ पे विंडो लगानी है। विंडो कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले मैं विंडो पे जाऊंगा, तो देखिए मॉडिफाई डायरेक्ट प्लेस विंडो। अभी मेरे यहाँ पे ज़्यादा विंडो की क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं लोड फैमिली में जाऊंगा, फिर मैं पीछे जाऊंगा, इंडिया के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं विंडो वाली जो लाइब्रेरी है उस पर चला जाऊंगा। अभी हम यहाँ पे अलग अलग विंडो हमारे पास अवेलेबल है, देखिए है केसमेंट वाली विंडो है, अलग अलग विंडो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हम इस विंडो को लेते हैं, ओपन करेंगे, कौन सा डायमेंशन चाहिए, विड्थ मुझे चाहिए उसकी 1 मीटर वाली मुझे चाहिए, मैं इसके 1 मीटर वाली ले ली मैंने, और फिर मैं उसको सेट करूंगा यहाँ पे कहीं पे। तो मान के चलो मुझे यहाँ पे रखनी है, ठीक है, यहाँ पे रखनी है, या मैंने रख दी यहाँ पे, ठीक है, एक मुझे यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रख दी, बाहर के साइड में खुलेगी। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर क्लिक किया 3D में आप जाके चेक करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे विंडो देखने को मिलेगी, कैन सी हाउ विंडो इज लुकिंग लाइक, ठीक है। आप इसको ऑर्बिट घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा बाहर से कैसे दिख रही है, ठीक है, लाइक दिस। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप अपने मॉडल को, ठीक है, रेंडर कैसे कर सकते हैं, लेकिन रेंडरिंग तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टूल अभी मैंने आपको बताया वॉल विंडो डोर, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा आप कभी भी अपना जो क्या कहते हैं जो प्लान है बिल्डिंग का वो आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फंक्शन। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट नंबर 2 में हम जब आएंगे तो हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें में हम आपको बताएंगे जिसका यूज़ करके आप रेविट सॉफ्टवेयर को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।